माने आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम प्रोजेक्ट करने का जो तथाकथित रूप से आप कह रहे हैं वो चाल है? बिल्कुल चाल है। अब बताइए, वो बेचारे मांग रहे थे अयोध्या से टिकट, मांग रहे थे मथुरा से टिकट, मांग रहे थे काशी से टिकट, ले जाके मठ में बैठा दिए बेचारे। तो उनका शहर है ना, कहा शहर है बेचारे, वहीं परेशान अच्छा है। आपको बहुत योगी जी से बड़ी सहानुभूति दिख रही है। नहीं, कहाँ सहानुभूति है, बहुत बचा के उनका नहीं, बड़ा नहीं, प्यार। सहानुभूति नहीं, अरे इनसे भी ये भी पूछ लेते, यहाँ से टाइम्स तक की जानकारी रख रहे हैं आप, जरा ये बताइए, अखिलेश यादव बड़ा मंच से कहते हैं कि वो बाबा हमको कहते हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं और हम आजकल घर पे उनके नजर देख रहे हैं कि धुआं उठता है, ये क्या है, ये सब क्या है, जनता को जरा समझ आए। आप तो सबकी खबर रखते हैं, कौन सुबह गए हैं मिलने कभी अखिलेश? तो जानकार हैं, बताएंगे ये। हाँ, कितने बजे सबसे अर्ली मीटिंग कौन सी रही है? 5 बजे उठ जाते हैं। आपका तो ठीक है, आप बताएं। 5 बजे उठते हैं, नहा धो के फ्रेश होके 6 बजे के पहले तैयार होके 1 घंटा मोबाइल पर हमने नेताओं से बात करते हैं। अच्छा, हमारा एकदम 19 साल से हम यही करते हैं, जब से मोबाइल मिली है तब से यही करते हैं। कहाँ तकलीफ है, कहाँ संगठन का काम हुआ, किस कोई परेशानी है, और हमारे जो काम करने वाले होल टाइमर नेता उनसे बात करते हैं। तब उसके बाद पानी गर्माते हैं अपने हाथ से। अच्छा, 1 गिलास गर्मा के गर्म पानी पीते हैं, तब उसके बाद दरवाजा खोलते हैं कि आओ भैया। पहले बासी मुंह सब नेता लोगों से बतिया लेते हैं, तब बुलाते हैं, अब सुनते हैं सबकी बात। अच्छा, मंडल मचाते लेकिन हैं सबसे उसके बाद। अर्ली मीटिंग अखिलेश के साथ कब हुई है आपकी? हमारी मीटिंग जिस दिन मैंने मंत्रिमंडल की शपथ लिया था उसके 15 दिन के बाद। अच्छा, कितने बजे मिलने गए थे आप? रात को 11 बजे। क्या सही है ये जो बयानबाजी मंच से खूब की जाती है, वो 12 बजे सो के उठते हैं, वो नजर रखे हुए हैं, ये सब? देखिए, चुनाव में एक नेता के ऊपर इतना प्रहार करता है, वो कुछ बोलते हैं तो उसका दूसरा नेता रिएक्शन देता है, लेकिन हमारा अपना मामला है कि हमको अपने मुद्दे। अरे आप भी तो कहे थे बनारस में कि भाई कुल वोट मांगे आवे तो आवे दो पैरे पर, तो जाए 4 पैरे पर। कांसी राम जी ने कहा था। आप भी कहे थे। नहीं, हम भी कहे थे। अभी कह रहा हूँ कांसी राम जी ने कहा था कि जो तेरे वोट के बल पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तुझे ये वोट दिया है, दारू पीने के लिए नहीं अधिकार, तुझे मुर्गा खाने के लिए नहीं दिया है, तुझे 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए बेचने के लिए नहीं दिया, घूसा चलाने के लिए क्यों कह रहे हैं? लेकिन अगर तुम्हें दारू पिलाने कोई आवे, तुम्हें मुर्गा खिलाने कोई आवे, कोई पैसा लेके आवे, तो अपने वोट की कीमत का इम्तिहान समझना। ये वोट वो वोट है, इसी वोट से तुम राजा बन सकते हो, इसी वोट से तो चुप तुम अपने बटन दबाओ, काहे पीटा पार्टी करो। नहीं, पीटा पार्टी की बात हमने ये कहा, हमने वो ये कहा कि अगर ये दारू मुर्गा पैसा लेके आवे, संविधान में कहीं इजाजत नहीं है, अगर ये 2 पैर से आवे तो इनको 4 पैर से भेजना। घुमा के वही बात हो गई है। तो अच्छा ओम प्रकाश जी, अब चूंकि बात हो जाए, अखिलेश जी के साथ होने के बाद से मैं देख रहा हूँ आपके रूप रंग में भी बड़ा बदलाव है, वचन में बात में तो बहुत बदलाव है, रूप रंग में भी बहुत बदलाव। कैसा बदलाव वीरेश? कैसे बताइए, पहले आप जो है पीली सदरी थी वो नहीं पहनते थे, खाली गमछा लपेटे रहते थे, मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे तब भी, और आप अध्यक्ष तो अपनी पार्टी के बहुत दिन से, ये बदलाव क्या अखिलेश जी चूंकि फैशनेबल हैं, स्मार्ट हैं, नौजवान हैं, जानकार हैं, तो वो उन्होंने कुछ सुझाव दिया है क्या? नहीं, हमको ये सदरी पहनने का सुझाव हमारे बड़े भाई माननीय ब्रजेश पाठक जी ने दिया है। ओहो, माने उनसे भी लगाव है? अभी लगाव हमारा किससे नहीं है, दिनेश शर्मा जी से लगाव है, हमारा लगाव स्वतंत्र देव पटेल से है, हमारा लगाव लाल पीला कॉम्बिनेशन। माने आपने उनकी बात मान ली, उन्होंने कहा कि आपका ये कलर जो है ठीक लगता है, आप सदरी बनवाओ, हमको माल दे दो, हम बनवा लें। अच्छा, चलिए, माल है क्या वीरेश? वक्त की कमी हो रही मिलती है, वक्त की कमी हो रही है, जाते जाते जल्दी से हमको ये बता दीजिए कि पश्चिम में तो मोर्चा संभाल लिए थे जयंत चौधरी, अब यहाँ पूरब में आपके ऊपर जिम्मेदारी, महान दल भी हैं और डॉक्टर संजय भी हैं, और इन लोगों के अलावा आपको क्या लगता है, उधर ज्यादा मामला भारी रहेगा कि पूरब से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा साइकिल को? देखिए, पूर्वांचल में आपको सही बात बता दूं, बलिया, मऊ, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, ये 5 जिले हैं, यहाँ भाजपा खाता नहीं खुलेगा। हम बनारस में हैं, आज के तारीख में बनारस में हम 6 सीट जीत रहे हैं। अच्छा। 2 सीट पे लड़ाई चल रही है, अब क्या होता है वहाँ के मतदाता जाने। समीकरण ऐसा है, देखिए, पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है, जाति के नाम पे टिकट, जाति के नाम पे संगठन, जाति के नाम पे मंत्री, जाति के नाम पे मुख्यमंत्री बनते हैं, तो वो जो समीकरण यहाँ का है, अब चंदौली मैं यहाँ मीटिंग किया, उसके बाद चंदौली गया, मेरी मीटिंग में 20,000, 25,000, 15,000 लोग आ रहे हैं,
तो अगर 15,000 लोग हैं तब भी तो वो 50,000। ठीक है राजभर जी, पश्चिम से ध्रुवीकरण की बात शुरू होती है और जात पात पे आकर के पूरब में खत्म होती है। अब देखना होगा कि असर कौन ज्यादा, रंग कौन ज्यादा लेके आता है, पूरब या पश्चिम, और कुल मिलाकर के जो एक रंग आप देखना चाहते हैं उसका जो फैसला है वो 10 तारीख को हो जाएगा। नहीं, फैसला तो हो गया। देखिए हमारे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग, अब इतने बड़े नेता ब्लॉक वाइज मीटिंग कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जिले वार मीटिंग कर रहे हैं, और जिले में हमको तो आश्चर्य हुआ कल चंदौली में हमारे प्रधानमंत्री जी वो जितना 20 मिनट तक अगर 20% अखिलेश जी पर बरसे तो 80% तो ओम प्रकाश राजभर पर बरसे। अच्छा। एक बहुत बड़ी चीज हो गई ना कि प्रधानमंत्री के निगाह में ओम प्रकाश राजभर बहुत ताकतवर हो गया, इस नाते जो है परेशान कर रहा है। पूर्वांचल में 12 से 22% वोट अकेले राजभर का है। मेरे साथ अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां सारी हैं, हमारे साथ ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार भी हैं, हमारे साथ यादव, पटेल, चौहान, बिंद, केवट, मल्ला, सारी जाति के लोग हमारे साथ हैं। तो ये जो समीकरण बैठा है अखिलेश जी के साथ जाने पर, ये समीकरण सबको ध्वस्त कर दिया है। मैं बीजेपी के साथ, मैं 3 साल पहले कह दिया था कि 2022 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करूंगा, और वो टाइम आज आ गया है। और पूर्वांचल की धरती पर ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देख लीजिए अगर रिजल्ट आएगा कि गोरखपुर में 9 सीटें हैं, गोरखपुर में हम 7 सीट जीतने जा रहे हैं। गोरखपुर राजभर जी, आखिरी सवाल इसी से है, समीकरण की आप बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है और प्रदेश को पता है कि समीकरण 2017 में फेल हुए थे, समीकरण 2019 में भी फेल हुए थे, डेडली कॉम्बिनेशन था सपा बसपा का, वो समीकरण उससे बड़ा समीकरण नहीं होगा, भाजपा कह रही है वो समीकरण भी फेल होगा, ये जो आपका समीकरण है इस तरीके से 19 में फेल। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, और 10 तारीख को रिजल्ट भी आएगा, 10 तारीख को आप देखिएगा। ओम प्रकाश राजभर कभी झूठ नहीं बोलता। राजभर जी बाजी लगा दिए हैं। मैंने गारंटी किया हूं और मैंने प्रण किया हूं जनता के बीच में जाके कहूं कि अखिलेश जी को सीएम बनाना ठीक है। राजभर जी, आपकी जीत का दावा और 5 साल अखिलेश का साथ देने का वादा दोनों आप इस मंच पर करके गए हैं। अब 10 तारीख के बाद फिर मिलेंगे और तब बात करेंगे, देखा जाएगा कि आपकी बात और अखिलेश का साथ कितना रंग लेकर आया है। तो हम मिलेंगे।